हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि इस नंबर को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करें। ये एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है, तो इसको करते हैं। देखो, जब भी हमें ये रिकरिंग डेसिमल्स को कन्वर्ट करना होता है तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, लेट, और इसको एक्स लिख देते हैं। ये इक्वेशन नंबर वन है, सिंपल। इसके बाद इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो डिजिट रिपीट हो रही है। देख, आप देख रहे हैं 272727, तो दो डिजिट रिपीट हो रही हैं। तो जब दो डिजिट रिपीट होती है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, जब एक डिजिट रिपीट होती है 10 से, और जब तीन डिजिट रिपीट होती है तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये रूल याद रखना, बिकॉज दो डिजिट रिपीट हो रही है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर वन बाय 100। 100 से मल्टीप्लाई करके देखो, ये तो हो जाएगा 100x। यहां जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ये पॉइंट है ये दो प्लेस राइट में चला जाएगा। ये हो जाएगा 127.2727... ठीक, इक्वेशन नंबर टू। अब हम इसमें से इसे माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर वन फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू। तो इसको ऊपर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 127.2727... और नीचे लिखेंगे इसे x इज इक्वल टू 1.272727... देखो यहाँ पे हम 27 लिखेंगे क्योंकि 27 की तो कमी है नहीं, हमारे पास बहुत सारे 27 हैं, और अब माइनस करने में आसान हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, क्योंकि 2727 इनफाइनाइट टाइम से रिपीट हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जिससे कि इसको माइनस करने में आसानी रहे। तो ये माइनस करेंगे, ये 0 0 0 मीन्स ये सब 0 0 हो जाएगा सीधे। यहाँ पे ये 6 आएगा, ये 2 है, ये 1 है, और ये 99। क्लियर है? तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 126/99। ठीक है ना, ये 100 में से 1 माइनस हुआ इसलिए 99 आया। आई होप ये सब समझ आपको आ रहा होगा। इसको काटेंगे हम, तो ये 3 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, और ये आ जाएगा 14/11। ठीक है ना, तो फाइनली हम लिख देंगे देयरफॉर 1.272727... इज इक्वल टू 14/11। ये हमारा आंसर है। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।